नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। डेंगू आमतौर पर जुलाई से नवंबर के बीच तेजी से फैलता है। इस साल जुलाई माह में डेंगू के कुल 53 मामले सामने आए हैं, जबकि वर्ष 2022 में जिला में 852 मामले और वर्ष 2023 में 1044 डेंगू के मामले दर्ज हुए थे। डेंगू के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने स्वास्थ्य विभाग और संबंधित विभागों के साथ बैठक की और उन्हें निर्देश दिए। उपायुक्त ने नाहन शहर के अमरपुर मोहल्ला, जहां पर सर्वाधिक डेंगू के मामले संज्ञान में आए हैं, में स्वच्छता अभियान चलाने के लिए नगर परिषद को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर परिषद को स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से अमरपुर मोहल्ला में स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए। नाहन से हमारे संवाददाता जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। विस्तृत और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग की है, जिस सारे हमारे जितने भी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स थे, वो चाहे हेल्थ है, चाहे आयुर्वेदा, एजुकेशन, हमारे अर्बन लोकल बॉडीज, इन सभी को इन्वॉल्व करके हमने इस पे काफ़ी गहन चर्चा की है कि डेंगू के रोकथाम हेतु जागरूक करना, खासकर जो लोगों को और स्कूल्स में बच्चों को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बरसात में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर डेंगू के केसेस आते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर 2023 में 1044 डेंगू के मामले दर्ज हुए थे और इस बार अभी जुलाई के महीने में तकरीबन 53 केसेस, जो कि कन्फाइंड है एक ही एरिया में, अमरपुर मोहल्ला जो शहर का है। तो वहीं हमने मीटिंग में ही डायरेक्शन दी है MC के जो वहाँ पे आए थे कि वो इमीडिएटली वहाँ पर फॉगिंग कर लें, और साथ के साथ हम लोगों ने इसको पब्लिसिटी, और वो तो कर ही रहे हैं, और साथ के साथ हम लोग इसमें अवेयरनेस जनरेशन प्लस सेंसिटाइजेशन, और इसमें सारे जितने हमारे स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं, वो चाहे पंचायती राज है, रूरल डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिस है, जितने भी लोअर लेवल के फंक्शनरीज हैं और हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, हमारे ये महिला मंडल्स और युवक मंडल्स, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनकी सबकी इन्वॉल्वमेंट से एक ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में हम एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसके अनुसार लोगों को जागृत किया जाएगा कि वो डेंगू से कैसे बचें। और उसमें खासकर हमने सप्ताह में एक बार रविवार को ड्राई डे रखने के लिए भी रिक्वेस्ट की है सभी को, ताकि वो अपने खाली बर्तन या फ्लावर पॉट या टायर्स वगैरह जो भी इधर उधर पड़े हों, जिसमें पानी जमा होने का अंदेशा रहता है, तो ये रिक्वेस्ट हमने सभी से की है। और साथ में इसमें बेसिकली हम फोकस कर रहे हैं प्रिवेंटिव क्यूरेटिव दोनों पे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।